कैसे मारा वालों सबके गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आज संडे के का दिन है और सोचिए कुछ गुफ्तगू आप लोग से करें, कुछ रेसिपी नहीं। आज अभी मैंने बस ब्रश करके 6:30 का टाइम हो रहा है और सारे सोए हुए घर में। मैं ब्रश करके अपना आज संडे के दिन मेरा एक रूटीन है बहुत दिन से कि मैं आज के दिन अपना वेट लेती हूँ सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग उठ के हर वीक में, और अपना मेज़रमेंट लेती हूँ कहीं कुछ बड़ा तो नहीं। अभी फेस्टिवल सीजन था तो बहुत मीठा हो जाता है, बहुत उल्टा पुल्टा खाना हो जाता है और जुबान का तो कुछ कह नहीं सकते हैं। कुछ दिन डाइटिंग होता है, फिर चौथे दिन से स्टार्ट हो जाता है कुछ खाएंगे कुछ खाएंगे, लेकिन मेंटेन है। चिंता की कोई बात नहीं है। और अभी मैं बैठी हूँ एक ग्लास गर्म पानी पीने के बाद अपना कॉफ़ी लेकर के, और ये बिना चीनी की स्ट्रॉन्ग सी कॉफ़ी है। और उसके बाद फिर जाऊँगी वर्कआउट करूँगी। मेरी डेली रूटीन में अभी फेस्टिवल सीजन की वजह से अभी दीपावली और छठ भी था ना, दशहरा से मतलब रेगुलर कुछ नहीं हो रहा था। अभी लास्ट वीक से मैंने स्टार्ट किया है वर्कआउट एंड अपना वॉकिंग, ये दोनों मेरी डेली रूटीन में है। और ये ना करो तो पूरा दिन लेजी लेजी सा लगता है। उसके बाद मैं सारा काम करती हूँ घर में, ना जो भी झाड़ू पोछा डस्टिंग बर्तन बर्तन तो किचन तो रातों क्लीन करके जाती हूँ, मेरी बिल्कुल साफ़ कुछ भी नहीं। और थोड़ा मुझे सफाई का मायने भी है खुद से करने का, तो ये सब करती हूँ। उसके बाद फिर अपना जो भी आज बनेगा, आज जनरली सब अंडा ब्रेड मेरे यहाँ ज़्यादा चलता है, ये लोग सब ज़्यादा पसंद करते हैं, और ओट्स। नाश्ते का कोई इतना टेंशन नहीं रहता है, जब अंडा नहीं रहता तब टेंशन रहता है क्या बनाऊँ, तो उसमें पोहा इडली यही सब चलता है, नहीं तो समटाइम्स पराठे भी चलते हैं क्योंकि बिहार में तो ऑथेंटिक है पराठा, तो चलना ही चलना है सबके घर में। तो हस्बैंड को अच्छा लगता है पराठा खाते, बट बेटी लोग नहीं उतना पसंद करती हैवी ब्रेकफास्ट, उन लोग को लाइट ब्रेकफास्ट ही चलता है। तो इस वजह से फिर बनाती हूँ कुछ हल्का फुल्का सा, और मेरा मुझे पसंद है एक तो, लेकिन मैं डेली नहीं खाती हूँ पूजा, मतलब आज ये डे नहीं खाना है, वो बचपन से बना इसलिए नहीं खाती हूँ। बट मेरा पसंद है मुझे मुरमुरे मूरी जो बोलते हैं ना बिहार में, वो बहुत पसंद है। तो उसको प्याज के साथ भून करके, मटर के सीज़न में मटर, और मटर का सीज़न के आजकल तो पैकेट वाला मटर मिलता है, तो हल्का सा वो लेती हूँ। तो मेरा ब्रेकफास्ट यही होता है। अब बस मेरा जाऊँ ये रूटीन होता वर्कआउट है के लिए, फिर 30 मिनट्स मिलती हूँ। वॉक एंड फिर बॉडी का फुल एक्सरसाइज, दो एब्स का फिर आर्म्स का है ये डे, मतलब डे बाय डे मैं करती हूँ अल्टरनेट करके लेग्स का, ऐसे करके। ये पूरा छत का नज़ारा है चारों तरफ का, काफ़ी खुला खुला और अच्छा लगता है, फ्रेश एयर मिलती है, इसलिए छत को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। बहुत अच्छा लगता है शांति के साथ, बिल्कुल शांति, कोई भी चिल्पो नहीं, कुछ भी नहीं। अब आ गई हूँ नीचे एक्सरसाइज करके, शक्ल देख रहे हैं कैसा लग रहा है मेरा। अब हस्बैंड उठ गए हैं, अपनी चाय बना रहे हैं, वो अपनी चाय खुद बनाते हैं वो। अब थोड़ी देर बाद मैं आती हूँ जब एक्सरसाइज करके, तो उनको कॉफ़ी देती हूँ। उसके बाद घर का सारा काम करूँगी, अभी सारा कुछ फैला हुआ है, बिस्तर ठीक करना है, ठंड का दिन है तो कंबल भी हो जाता है बहुत सारा। उसके बाद फिर झाड़ू पोछा जो भी है डस्टिंग, 1 घंटा लगेगा पौधों में पानी देना, वो सब करूँगी। उसके बाद फिर कुछ प्लांट्स लगा के देख रखे हुए मैंने, देखिए अभी रोज़ कितना प्यारा प्यारा सा पिंक कलर का हुआ है और अभी निकलेंगे। और ये कुछ ओढ़ुल बोलते हैं हमारे तरफ, ये पिंक ओढ़ुल है अभी। और केला है, फिर ये ओढ़ुल है, तो निकल जाते हैं पूजा के लिए, फूल मिल जाते हैं। और अपराजिता भी दोनों कलर का लगा के है, कड़ी पत्ता है और केला और समी भी है, तो मिल जाते हैं रोज़ मुझे पूजा लायक फूल मिल जाते हैं। सारा घर मेरा क्लीन हो चुका है, अभी बज रहे हैं 9, मैंने 8 बजे से स्टार्ट किया था। ये मेरा लिविंग रूम है, अब मैं जा रही हूँ नहाने, छठ पूजा करूँगी, आधा घंटा उसमें लगेगा। उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट वगैरह, अभी बेटियाँ मेरी सो रही हैं, संडे पूरा संडे इंजॉय कर रही हैं। और दिखाती हूँ मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ, मेरे लिए ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं करती हूँ, बहुत ही नॉमिनल चीज़ यूज़ करती हूँ, ज़्यादा देसी इलाज मतलब घरेलू जो उपाय होता है ना वो यूज़ करती हूँ। सबसे पहले ये ओरी फ्लेम का
विटामिन ई एंड विटामिन थ्री वाला क्रीम है, इसको मैं डेली यूज़ में लेती हूँ मॉर्निंग टाइम में बस ये। देन और रात का मेरा ये गुलाब जल एंड ग्लिसरीन है, दोनों इक्वल मात्रा में मिला हुआ है बस। और उसके साथ ये दो ड्रॉप ये बादाम का तेल, इसको लेके मैं लगभग 10 मिनट तक फेस मसाज करती हूँ बस। मेरा ये डेली रूटीन है। और इन बिटवीन वीक में एक दो बार वो जो चावल का मार निकलता है उससे थोड़ा सा फेस में उसको ये करती हूँ, उससे बहुत अच्छा एक रिज़ल्ट आता है, फेस में ग्लो करता है, वो लेती हूँ। और देन बॉडी के लिए ये वाला लेती हूँ, ये अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, तो इसको यूज़ करती हूँ बस। ये मेरे मेकअप रूटीन में है डेली का, इसके अलावा कुछ नहीं, देख सकते हैं आप कुछ भी नहीं है और इधर भी कुछ नहीं है, सिंपल सा जो रहता है वही है। एंड देन लिपस्टिक में मैं सिर्फ ओरिफ्लेम का ही यूज़ करती हूँ, ये बहुत अच्छा होता है, छोटा होता है बट अच्छे अच्छे कलर है, शेड से बहुत कॉस्टली भी नहीं होता है, जो वर्थ है उसको आप अच्छे से ले सकते हैं। एंड नेल पॉलिश भी मेरा ओरिफ्लेम का ही रहता है, तो ओवरऑल जो भी प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ ओरिफ्लेम का यूज़ करती हूँ। देन एक मेरा सबसे फेवरेट चीज़ होता है काजल, ये मेरे डेली रूटीन में है काजल, और ये भी ओरिफ्लेम का है, द वन का, सो इसको भी यूज़ करती हूँ बस, और इसके अलावा कुछ भी नहीं यूज़ करती। देन ये जो बॉडी स्प्रे रहता है वो भी ओरिफ्लेम का ही है, ये एक है एंड एक ये है, वो ज़्यादा तो यूज़ करती नहीं, जब कभी बाहर जाती हूँ तो यूज़ करती हूँ, उतना हार्ट स्मेल पसंद नहीं मुझे। अब जा रही हूँ बस, रेडी होकर के पूजा करूँगी, देन उसके बाद ब्रेकफास्ट, मिलते हैं। मेरी पूजा हो चुकी है, अब जा रही हूँ किचन में। टाइम अंडा ब्रेड, ब्रेड टेक्निकल और बटर, देन ऑरिगन पिज़्ज़ा मिक्स, ये डालने से बहुत अच्छा टेस्ट रहता है ऑमलेट में, या चीला में भी मैं इसको डालती हूँ, इसको रखती ही हूँ ऑलमोस्ट घर में। सब बना रही हूँ, ये हस्बैंड का ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, वो बिना प्याज का अंडा खाते हैं बिल्कुल प्लेन, सिर्फ नमक एंड काली मिर्च या ऑरिगेनो डाला हुआ, बटर चाहिए होता है उनको लेकिन अच्छे से। और मैं बनाऊँगी दो अंडे का ऑमलेट एंड दो ब्रेड अपने लिए। पूरे दो महीने बाद अंडा खा रही हूँ, मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ, चिकन मटन कुछ भी नहीं खाती, सिर्फ एग खाती हूँ वीक में दो दिन, और आज पूरे दो महीने बाद मैं ये खाने जा रही हूँ, तो बहुत एक्साइटेड हूँ खाने के लिए। देन ये मेरा ब्रेड है बिल्कुल ड्राई और कुछ नहीं, इसके साथ कुछ भी नहीं चलेगा, आप जा रही हूँ इसको एंजॉय करने। इसको थोड़ा पलट लेती हूँ अच्छे से। आज ना एक चीज़ की शॉर्टेज हो गई है, इसमें हरी मिर्च नहीं है मेरे पास, अभी मार्केट जाना है, बताया था ना सब्ज़ी मार्केट जाना है, आज पूरे भर के सब्ज़ी लेके आऊँगी, साग मेथी सब आ गए हैं मार्केट में, ठंड का यही मज़ा है, तरह तरह की सब्जियाँ मिलती हैं। यह मैंने अब उसके ऊपर मैं इसको डालूँगी, ये बहुत इसको इंटरेस्टिंग बना देता है। मुझे चीज़ वाला बिल्कुल भी पसंद नहीं है ऑमलेट में चीज़, या किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं पसंद है, जो चीज़ की ऑथेंटिक वो टेस्ट होता है ना, ऑथेंटिक जैसे डोसा का या कुछ, वो वही अच्छी लगती है, यानी कि ढेर सारा चीज़ भर दो और उसका पूरा स्वाद ही बिगड़ जाता है, बिल्कुल लगता ही नहीं कि डोसा खा रही हूँ या ऑमलेट खा रही हूँ, इसलिए मैं बिल्कुल अपने ऑथेंटिक स्टाइल में बनाती हूँ जो भी बनाती हूँ। पहले से ब्रेकफास्ट रेडी है, दो अंडे का ऑमलेट बिल्कुल लेस ऑयल में बना हुआ है आधे चम्मच में, देन ये स्प्राउट से कुछ और दो पीस ब्रेड के। आप लोग बताइएगा क्या खाते हैं संडे को स्पेशल, हमारे यहाँ तो बचपन में पूड़ी सब्जी बनती थी, स्टेशन वाली सब्जी एंड पूड़ी, बट अब खाते हैं कभी कभी, बट नॉर्मली यही खाते हैं। सब हो चुका है मेरा, और मुझे मीठा खाने की आदत है, नाश्ते के बाद कुछ भी हल्का सा, तो ये चीनी वाला वो जो नाइस वाला टाइम का बिस्किट आता है ना वो वाला खा रही हूँ, हाफ है पूरा नहीं है, हेल्थ कॉन्शियस। अभी बज रहे 10:30, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट मेरा सारा काम फिनिश हो चुका है, और उसके बाद अभी चिकन आके रखा हुआ है उसको बनाना है, सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, क्योंकि रेगुलर चीज़ मुझे बनाना मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता है, कुछ डिफरेंट ट्राई करती रहती हूँ, तो या तो चाइनीज़ बनाऊँगी या फिर बटर चिकन बनाऊँगी, दोनों में से कुछ बनाऊँगी। मार्केट जाना था अभी सब्जी लेने के लिए, और बेटी को भी साथ जाना था, बट उसका कुछ काम आ गया, उसका मीटिंग वीटिंग है, तो बोली मम्मी शाम को चलना, तो फिर शाम को निकलूँगी, और सब्जी है नहीं घर में, तो उसी वजह से अभी थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसी वे में जाना है, इसलिए सोच रही हूँ एक साथ निकलूँगी, बार बार नहीं निकलूँगी, तो अभी क्या करूँ, अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगी, और नहीं तो रील बनाने की आदत है, रील बनाऊँगी, कुछ भी करूँगी, बट सोऊँगी नहीं।
मिलते हैं, बताऊंगी क्या क्या बनाया संडे का स्पेशल मैंने। संडे कुछ स्पेशल ही रहता है लंच में। दोपहर के लगभग 12:30 हो रहे हैं, सोची बैठे बैठे बोर हो रही हूँ क्या करूँ, तो अब आई हूँ बिल्कुल आज देसी स्टाइल में चिकन बनाने के लिए। और अपने लिए आलू दम बनाऊंगी, राइस बनाऊंगी, और आज ये हमारी हांडी में चिकन बनेगी बिल्कुल देसी स्टाइल में, और राइस इंशाल्लाह। और इसके लिए आज मैं सील बट्टे से मसाला पीस रही हूँ, इसका टेस्ट हांडी में बहुत अच्छा आएगा। मेरा हो चुका है, और सही कहते हैं सील का पीसने का जो मसाला होता है ना उसका स्वाद ही बिल्कुल अलग होता है, इतना अच्छा स्मेल करता है ना, नहीं बता सकती हूँ। अब एक तरफ मैंने हांडी चढ़ाई है, एक तरफ कढ़ाई चढ़ाई है, इसमें मैं अपना आलू दम बनाऊँगी सेम मसाले में, और अब इसमें तेल डालती हूँ। गैस में गई सूखी लाल मिर्च और तेज पत्ता, थोड़ा सा ये आलू दम वाले मसाले में गया, और अब जीरा डाला थोड़ा सा मैंने चिकन के मसाले में, और ये आलू दम वाले में हल्का, तड़कने देते हैं, फिर हम इसमें प्याज ऐड करेंगे दोनों में, फिर प्याज जब लाल हो जाएगा उसमें मसाला डालेंगे, फिर चिकन जो नॉर्मल देसी स्टाइल में बनता है सेम उसी प्रोसेस में बनाएंगे, और गरम जो नॉर्मल मसाले होते हैं हमारे हल्दी मिर्च नमक गरम मसाला वो डालेंगे। अचानक से मन कर गया कि ये निकाला है तो चटनी बनाती हूँ धनिया की, और इसके लिए ये टमाटर पका रहा है और ये मिर्ची पका रही हूँ, इसके साथ चटनी बनाइए बहुत अच्छी लगती है, एकदम डिफरेंट, कच्चे की अलग लगती है इसकी बिल्कुल अलग लगती है, सोंधा सोंधा सा टेस्ट आता है। और इसमें लहसुन डालेंगे, इसको भी मैं पकाऊंगी लहसुन को भी हल्के हाथ पे, इसको पकाती हुई गिर जा रहा है बार बार। टमाटर पक गया, इसको थोड़ा पील कर लूँगी, इसका छिलका ऊपर से उतार लूँगी, अभी थोड़ा गर्म, साथ में ये धनिया है थोड़ा सा, लहसुन भी पका लिया था मैंने 3-4 का लिए, ये मिर्च भी पकी हुई है इसको तोड़ के पीसूँगी, और नमक, और जब हो जाएगा तो इसमें हल्का सा नींबू का रस जाएगा, और एक आधा चम्मच सरसों का तेल, अगर आपको सरसों का तेल नहीं डालना है तो मत डालिए, क्योंकि हम लोग यूज़ टू हैं बहुत सरसों के तेल के, वो भी खास करके जितना भी हम लोग का चोखा बनता है बिहारी स्टाइल में सब में कच्चा सरसों का तेल जाता है, और चटनी में भी जाता है तो वो डालते हैं, उसमें एक अलग सा फ्लेवर आता है बहुत तीखा वाला, अच्छा लगता है। और अब इधर राइस कुकर दिया मैंने थोड़ा पानी में पहले से, बाद में करूँगी खाने के टाइम में, अभी तो 12:30 हो रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। और ये मेरा आलू दम का मसाला बन रहा है, आलू को भी मैंने 4 आलू लिए थे, 2 को फोड़ लिए हैं, 2 को ऐसे ही खड़े रखे हैं, ये अच्छे लगेंगे, और चिकन को भी इसे डाला है, अब इसको भूनूंगी, अब ढक के भूनूंगी, और इसमें कोई मसाला नहीं डाला है, जो भी सामने आपके पीसा था ना सिल बट्टे पे बस वही मसाला है, और हल्दी नमक मिर्च डाला है बस, और कुछ भी नहीं डालूंगी। अभी से ही बहुत अच्छी खुशबू आ रही है क्योंकि मसाला सिल बट्टे पीसा हुआ था, थोड़ा मेहनत का काम है, बट कहते हैं ना मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, इसलिए कभी कभी ये चलता है, रोज नहीं। मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ खरपात चलते रहता है, सोचा कि इतना कुछ बना रही तो कुछ स्वीट डिश होना चाहिए, तो स्वीट डिश में अब मैं एक केक की तैयारी करी, इसमें चीनी है, बटर है, और एग है, और ये बेकिंग पाउडर, वनीला एक्सट्रैक्ट एंड मैदा, थोड़ा सा केक बना लूँगी, प्रेशर कुकर में बनाऊँगी, माइक्रोवेव में नहीं बनाऊँगी, क्योंकि प्रेशर कुकर में जो ऊपर का क्रस्ट आता है ना वो बहुत अच्छा आता है, तो बिस्किट वाला उसमें फीलिंग आता है, तो वो मैं प्रेशर कुकर में ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर पाती हूँ कुछ भी। और ये हो गया है, अभी इसको करूँगी, और इधर चटनी की भी तैयारी है, बर्तन तो कुछ है नहीं, ये 2-4 हैं, इसको लगे हाथ धो लूँगी, और बस अब खाना भी पकेगा 1 बजे तक, 1-1.5 बजे तक मेरा खाना हो जाएगा। ये मेरा मसाला हो गया है लगभग, ये मेरा आलू दम का है, अब इसको पीस लेती हूँ जल्दी से। ये सिल पट्टा मैंने धो लिया है, अब इसमें हल्का सा सरसों का तेल ऐड करूँगी बिल्कुल 1-2 बूंदियाँ जान से बस, ज़्यादा नहीं, और ये हल्का सा नींबू का रस खट्टापन के लिए डालूँगी। मुझे ना पर्सनली सिल बट्टे का मसाला और ये सब, या इनफैक्ट दाल भी जो बड़ा के लिए पीसते ना, वो ज़्यादा पसंद है, तो मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कि सिल बट्टे का इसको, एक तो एक्सरसाइज भी हो जाती है प्लस स्वाद का स्वाद भी आता है, थोड़ी मेहनत तो लगती है लेकिन इट्स ओके। ये रेडी हो गई, और चटनी बहुत अच्छी लगती है, टेस्टी, एक बार ट्राई कीजिएगा ज़रूर।
और इधर आलू दम भी मेरा, इसमें आलू डाल दिया है, ग्रेवी भी डाल दी हो रही है और चिकन भी हो रहा है। अब मैं जा रही हूँ केक बनाने के लिए। केक हो गया है मेरा, पूरा खाना ऑलमोस्ट डन हो गया। चिकन दिखाती हूँ आपको, ये मेरा देसी स्टाइल का चिकन है, एकदम ढाबा स्टाइल का, हांडी में। और इसका कलर देख कितना अच्छा लग रहा है ना, यम्मी यम्मी सा। इसके बाद चावल भी मेरा हो गया है, चटनी हो गई है, ये प्याज है, मूली है कटी हुई, मूली नींबू, अभी ठंड में हम लोग वही खाते हैं, नहीं तो अचार खाते हैं मूली का, वो हल्का सरसों का मसाला वाला, और नहीं तो फिर ये ऐसे करके रखती हूँ नींबू और नमक में मिक्स करके, जो 3-4 दिन चल जाती है आराम से फ्रिज में रखने के बाद। अब ऑलमोस्ट हमारा लंच डन, खाने के लिए रेडी है, अब जिसको खाना होगा ऑर्डर। फिर ये केक भी मैंने रखा हुआ है, अभी हार्डली 10 मिनट हुआ है, अभी लगेगा लगभग आधा घंटा, इसको दम धीमे आंच पे छोड़ दिया ताकि अच्छे से इसमें क्रस्ट आए। इसको शाम को दिखाऊंगी कैसा बना है। देन अब चलती हूँ, पूछती हूँ खाना खाना है जिसको, तो निकालूंगी। बच्चे तो खुद से निकाल के खा लेते हैं, हस्बैंड को देना पड़ता है। और ये मैंने कुछ अपने लिए सरसों का साग बनाया था, ये बिहारी स्टाइल का सरसों का साग है, सरसों और मेथी, इसकी रेसिपी दूंगी कभी, पंजाबी स्टाइल की नहीं है, बिल्कुल टिपिकल बिहारी स्टाइल की है। मेरी खाना लेके जा रही है अपना चिकन, चावल एंड प्याज। चटनी नहीं लियो, हरी चटनी ले लो। और वो छोटी वाली निकाल रही है खुद से, इन लोगों का खुशबू से ही तब से हो रहा था, बना कि नहीं बना कि नहीं। लो भाई जल्दी से बना दिया मैंने, अब खाओ। प्लेट लगा दी मैंने, उनको सबको चाहिए, उनका सबसे फेवरेट ये है, ये टमाटर की खट्टी मीठी, टमाटर और इमली की खट्टी मीठी चटनी। उसके बाद उनको ये ब्लैक मसाला और नमक है जो घर में बना के रखती है, वो चाहिए होता है, और मूली भी चाहिए होती है, ये उनका फेवरेट है। देन चिकन तो है ही, चावल इतना ही खाते हैं, ज़्यादा नहीं खाते। खाना दे दिया है और ये मेरी थाली है बिल्कुल सिंपल सी। अब जा रही हूँ मैं भी खाने, उसके बाद खा के थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, तब तक केक भी हो जाएगा मेरा, उसके बाद शाम को मिलती हूँ आप लोग से। मेरा स्पॉन्ज सा केक बनकर रेडी है, बच्चों से बर्दाश्त नहीं हो रहा था इसलिए थोड़ा गरम गरम निकालना पड़ा है, बट चिपका नहीं है कहीं से भी। काट के दिखाती हूँ, एक अंडे में ही कितना अच्छा बना है, परफेक्ट स्पॉन्ज को बोलते हैं ना, वो बना है। ये देखिए, इसमें तो नट्स भी डाल सकते थे सब कुछ, बट बच्चों की डिमांड थी कि आज बिल्कुल प्लेन चाहिए, बिल्कुल ही प्लेन, कुछ नहीं चाहिए, इवन चेरी भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। इसकी जाली देखिए कितनी अच्छी लग रही है, मैं खा लेती हूँ उसको, अब सोने जा रही हूँ। इवनिंग जा रही हूँ शाम में सब्जी लाने के लिए, रास्ते में हूँ, हस्बैंड गाड़ी चला रहे हैं, पीछे बेटी भी है। ये हमारा कोरबा का सब्जी मार्केट है, इसको बुधवारी मार्केट बोलते हैं, पहले से बुधवार को यहाँ लगती थी दुकान, मतलब वीकली हर एरिया में लगती थी, लेकिन लॉकडाउन के बाद सिर्फ बुधवार को नहीं लगती, बाकी हर दिन लगती, इसलिए भीड़ कम हो गई है, क्योंकि एक वीक में एक दिन लगती थी इसलिए भीड़ बहुत होती थी, अभी इसलिए गवर्नमेंट ने कर दिया है। यहाँ पे आपको नाश्ते की सब गर्म गर्म नाश्ता मिल जाएगा, और मैं यहाँ से एक चीज़ लेती हूँ जब आती हूँ, वो मोटी और चना और मिक्सचर, यहाँ का मिक्सचर बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही फ्रेश रहता है और बहुत टेस्टी रहता है, मिक्स करके लेती हूँ एक हफ्ते में एक बार आती हूँ, ये बोल रही हूँ। भैया उसे लिए थे तब ज़्यादा वो मिला के दिए थे हमको, ज़्यादा वो नहीं चाहिए, ये वाला चाहिए, ये चाहिए कोरबा का और महीन वाला चाहिए, इसको बोलते हैं बुधवारी रोड। काफ़ी चौड़े चौड़े रोड हैं यहाँ पे और बिल्कुल भी ट्रैफिक जाम नहीं होता है। कुछ फ्रूट्स लेके फिर मैं निकलूँगी, फ्रूट्स भी काफ़ी महंगे हो रखे हैं आज, कम नहीं हुआ है लेकिन वो तो ज़रूरी होता है फ्रूट्स। कुछ मुझे ये एप्पल बहुत पसंद आते हैं, ये अमेरिकन एप्पल मुझे नहीं अच्छे लगते। ये वाला अब सारा कुछ हो गया है, सब्जियाँ हो गई हैं, फ्रूट्स हो गए हैं, मिक्सचर हो गए हैं, और हम घर जा रहे हैं। रास्ते में आपको दिखाती हूँ कोरबा का रोड, ये चार दी दोनों तरफ, ये हम लोग के जाने का रोड, उधर आने का रोड, उधर साईं मंदिर है, राम मंदिर है, दुर्गा मंदिर है, सब मंदिर है, और ये मेन रोड है, और काफ़ी साफ़ सुथरा टाउन है और कहीं गंदगी आपको नहीं नज़र आएगी। चौड़े चौड़े रोड हैं, लाइट्स की व्यवस्था बहुत अच्छी है, तो बहुत अच्छा लगता है। ये साइड में ओपन ऑडिटोरियम है और इसी के लगे चौपाटी है जहाँ पर शाम को बहुत रौनक होती है, हम भी अक्सर आते हैं यहाँ पर हफ्ते में, लेकिन आ जाते काइंड ऑफ फूड मिलता है खाने को कम पैसे में,
और सेटिस्फेक्शन होता है। ये चौपाटी का रास्ता है और इधर, और ये सारा पार्किंग एरिया है। रोड पे व्हीकल नहीं खड़े कर सकते आप, ताला लग जाएगा तुरंत। मेरा भी एक बार लग चुका है। तो पार्किंग एरिया काफ़ी बड़ा है और रोड भी काफ़ी चौड़े, कहीं भी कोई जाम की स्थिति नहीं होती है। इनफैक्ट फेस्टिवल में भी नहीं होती है एक्चुअली। ये मेरी बड़ी बेटी का वर्क प्लेस है, यहाँ पे वो अपना कनीला का काम करती है और जो भी अपना इंस्टाग्राम प्रमोशन के लिए सब कुछ रखा हुआ है उसने, और अपना ऑफिस का भी काम करती है। वो एक कंटेंट राइटर का काम करती है, तो सारा कुछ यही करती है। क्योंकि यहाँ पे फ्रंट में खिड़की है, सामने अच्छा खुला खुला लगता है, इसलिए उसको ये बहुत पसंद है। और ये पूरी लाइट्स वगैरह लगा के अच्छा सा डेकोरेट करके रखा है, प्लस उधर भी यही लगा हुआ है। अब आ गई हूँ घर, अब जा रही हूँ सब सब्जी को समेटूंगी, उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। डिनर में कुछ ऐसा कुछ बनाना नहीं है, डिनर का है सारा कुछ, चिकन है, आलू दम है, सब कुछ बना हुआ है, इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है। घर और बैठी हूँ थोड़ा देर आराम से, क्योंकि शाम को डिनर का कोई टेंशन नहीं है। चिकन भी है और आलू की सब्ज़ी बची हुई है, बड़ी वाली को दूध रोटी खाना है और सत्तू का मसाला भी बना हुआ है, तो सिर्फ आटा गूंथना है। बस जाऊँगी थोड़ी देर में, अभी तो बस 5 ही बजे हुए। सब्जी सारा अरेंज करूँगी जो लाई हूँ, और अभी ये अपने लिए लेके बैठी हूँ। मेरा फेवरेट नाश्ता है शाम का, कुछ चाहिए होता है मुझे इस टाइप का मंचिंग। ये मुरमुरे और मिक्सचर जब भी लेके आई ना, वो है वहाँ का मिक्सचर, बहुत टेस्टी होता है, एकदम फ्रेश बनाते हैं सब, और स्पाइस भी बहुत ज़्यादा नहीं रहता और ऑयल भी बहुत अच्छे रहते हैं। ये कुछ स्मेल आ रहा हो ऐसा कुछ नहीं होता है, इसलिए मैं वहीं से लाती हूँ मूरी चना और ये मिक्सचर। हर वीक में जाती हूँ और लेके आती हूँ, तो मिक्सचर तो चाहिए होता है किसी चीज़ में। और मिलती हूँ रात में। सब्जियाँ लेके आई हूँ पूरी दुकान, ये हरा प्याज, बंदा गोभी, बैंगन, अभी ठंड की बैंगन बहुत अच्छी लगती है, टमाटर थोड़ा महंगा हो रखा है लेकिन उसके बिना चलता नहीं है। फिर मूली है, शिमला मिर्ची है, हरी मिर्च, धनिया, और इधर मेथी है, इसको साफ़ करके रखूँगी ताकि बनाने में आसानी हो। ये थोड़ा बेटी अभी उसका भुजिया ही बना रही हूँ, आलू मेथी, बेटी को बहुत पसंद है, तो बोली मम्मा बना दो, मैं दूध रोटी नहीं खाऊंगी, आलू मेथी खाऊंगी, तो उसके लिए आलू मेथी बना रही हूँ। मैं भी जा रही हूँ डिनर करने, इके सत्तू की रोटी, सुबह का आलू दम, और ये मूली मिर्ची हरा धनिया जो भी है, उसके बाद पता नहीं क्या करूँगी। मेरा सारा किचन का काम हो चुका है, सारा कुछ क्लीन कर दिया मैंने एकदम साफ़ सुथरा, ताकि मॉर्निंग में कोई परेशानी होगी। कुछ बर्तन कुछ लैप पे पड़े हैं धुले हुए, उसमें थोड़ा पानी है, वो निकल जाएगा तो फिर उसको जगह पे रख दूँगी, और सारा साफ़ है। और ये कुछ ये मूली के पत्ते, मेथी के, ये सब रखे हुए, उनको कल सुबह गाय को दे दूँगी। किचन से टाटा बाय बाय, अब जाती हूँ, कुछ अपना एडिटिंग का काम वगैरह करूँगी, उसके बाद फिर अपना नाइट रूटीन दिखाऊँगी आपको। अब हम लोग सोने जा रहे हैं,
ये बहुत बच्ची सी है मेरी प्यारी सी, हालांकि है तो ये सेकेंड ईयर में, और एक गोड़ोई हुई है इधर सोफे पे। अब रात का 10 बज गया लगभग, अब हम लोग सब सोने की तैयारी कर रहे हैं। जा रही हूँ पहले ब्रश करूँगी, उसके बाद फेस वॉश करूँगी, देन भगवान जी को प्रणाम करूँगी, उसके बाद मैं अपना नाइट का रूटीन दिखाऊँगी, स्किन रूटीन। मैंने बोला था ना मेरा रात का जो रूटीन है ये मैं बिल्कुल इतना सा लेती हूँ, देन ये 2 ड्रॉप 1 2 और इसको अच्छे से मिक्स करके इसको फेस पे मैं सप्लाई करती हूँ। और इसको लगभग 10 मिनट तक मसाज करूँगी हल्के आंच से। ना एक बहुत अच्छा सा मतलब स्मूथनेस होता है सुबह अर्ली मॉर्निंग, आप उठ के देखिएगा ना स्किन बहुत स्मूथ सा हो जाता है और बहुत अच्छा फील होता है इसकी। इसको ये रूटीन करने के बाद ना कोई एक्स्ट्रा क्रीम लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सो एक बार प्लीज़ ट्राई करिएगा अगर आपके स्किन को सूट करे तो। लगाने के लिए भी ओरिफ्लेम का लिप बाम है वो मैं यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी अच्छा है, थोड़ा कॉस्टली होता है बट वर्थ होता है और चलते भी काफ़ी है। ओरिफ्लेम की कोई भी क्रीम जो होता है ना वो चलते बहुत है। मैंने सुबह जो आपको डिब्बी दिखाई थी ना वो 350 की है, वो लगभग 3 मंथ्स तो चली जाती है, आराम से 3 मंथ्स चल जाती है और ये भी चलेगी अच्छे से अभी तो। मुझे ये वर्थ लगता है, थोड़ा पैसा लगाओ लेकिन अच्छे से चलता है और रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। इनका ब्लॉग मैंने दे दिया है, अब सोने जा रही हूँ। सबको गुड नाइट, ओम साई राम, शुभ रात्रि। अगर ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।